सोते समय तकिया के नीचे रखें ये पांच चीजें, खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे। अगर आप घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, तो आप सोते समय इन बातों का ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिसका हमारे जीवन पर कई बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार ज्योतिष में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। सोते समय व्यक्ति का शरीर कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसी असरदार वस्तुओं का वर्णन किया गया है जिन्हें सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। आइए जानते हैं उन विशेष चीजों के बारे में जो सोते समय यदि तकिए के नीचे रखी जाएं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, धर्मा वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। नंबर एक, मोर पंख। मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख का दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। नंबर दो, तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी किया जाता है। ज्योतिष की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर आप यदि ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में भी वृद्धि होगी। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर तीन, लहसुन की एक कली। धन लाभ के लिए लोग कई तरह के उपाय आजमाते हैं। जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है उतनी ही जल्दी पैसा चला भी जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप सोते समय यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगे तो ये सौभाग्य का प्रतीक बन सकता है। ज्योतिष के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन में भी वृद्धि होती है। नंबर चार, एक रुपए का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे एक रुपया का सिक्का रखने से आपको धन धान्य की असीम कृपा होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे एक रुपए का सिक्का रखें और सुबह उठकर वह सिक्का किसी गरीब को दें। सोते समय यह सिक्का रखने से धीरे धीरे धन की समस्या खत्म हो जाती है और आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। नंबर पाँच, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह का कारक मानी जाती है। इसे भाग्य, मान सम्मान, धन वैभव और दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देते हैं। यदि आप इन चीजों को सोते समय अपनी तकिया के नीचे रखेंगे तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।